Assalamu alaikum everyone, welcome to new English lesson. In this lesson we are going to learn the meaning of surreal. So let's begin. Surreal has three syllables and you will pronounce it like surreal, 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 surreal. Repeat after me, surreal, surreal. And it means unreal, like a dream. Aur Urdu mein iska matlab hoga gair hakiki. कोई चीज़ जो बड़ी स्ट्रेंज किस्म की हो, अजीब सी हो, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक ना हो, वो हकीकत पे मबनी ना हो, बल्कि एक ख्वाबों की तरह की चीज़ हो, कोई गैर हकीकी सी चीज़ हो, जिसका इस दुनिया से, रियलिटी से, हकीकत से कोई ताल्लुक ना हो, तो ऐसी चीज़ को आप सरियल बोलेंगे. जैसे फैंटेसीज़ होती हैं, डिफरेंट फैंटेसी टाइप जो चीज़ें होती हैं ना, वो सरियल होती हैं. अच्छा, इसमें क्या चीज़ आ सकती है, एग्जाम्पल्स में क्या आ सकता है, आर्ट फॉर्म्स होती हैं. आप मुख्तलिफ आर्ट फॉर्म्स देखेंगे जो कि रियलिटी बेस्ड नहीं होती हैं, वो एक ख्यालाई चीज़ें होती हैं, ख्यालात की चीज़ें होती हैं, जो कि बड़ी ड्रीम लाइक होती हैं, ख्वाबों की तरह की होती हैं, अनरियल होती हैं. तो वो जो आर्ट फॉर्म्स हैं वो सरियल्स हो सकती हैं, जैसे कि पेंटिंग्स होती हैं. अक्सर आप किसी पेंटिंग को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसके पीछे जो पेंटर है वो शायद कोई डीप मीनिंग कहना चाह रहा है, और जो उसने पेंटिंग की है उसका जो कंस्ट्रक्शन है, उसके जो एलिमेंट्स हैं, वो हकीकत पे मबनी नहीं है, वो एक फैंटेसी है, वो एक ख्याल है जो कि एक ख्वाब की तरह का है, उसका हकीकत से, रियलिटी से ताल्लुक़ नहीं है. तो ऐसी पेंटिंग भी जो होगी वो एक सरियल पेंटिंग होगी. इस तरह से कुछ मूवीज़ होती हैं, उनका जो प्लॉट होता है वो हकीकत पे मबनी नहीं होता है, एक वो ख्याली प्लॉट होता है, एक वो फैंटेसी वाला प्लॉट होता है. तो ऐसी मूवीज़ भी जो हैं वो सरियल होंगी. Let's see its examples. This movie is based on surreal love story. मतलब इस मूवी की जो लव स्टोरी है वो ऐसी है जो हकीकत पे मबनी नहीं है, वो एक ख्याली है, ख्वाबों की तरह की है, एक फैंटसी है, लेकिन उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है. Our second example is scuba diving was a surreal experience for me. मतलब इसमें कहने का मतलब यह है कि जो स्कूबा डाइविंग है वो मेरे लिए एक ऐसा एक्सपीरियंस था जैसे मैं एक ख्वाबों की दुनिया में चला गया या चली गई, वो हकीकत से दूर जो है ना वो एक एक्सपीरियंस मुझे लगा, वो इतना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस लगा. आ थर्ड एग्जांपल इज़ योर एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टोरी इज़ सरियल, कि तुमने इस कहानी की जो एक्सप्लेनेशन की है ना वो हकीकत पे मबनी नहीं है, वो एक गैर हकीकी है, तुमने अजीब सी जो है ना वो इसकी एक्सप्लेनेशन की है. सरियल इज़ एन एडजेक्टिव, और इसका नाउन होगा सरियलिटी, और इसका एडवर्ब होगा सरियली, और इसके सिनोनिम्स होंगे अनरियल, कोई चीज़ जो अनरियल हो, रियलिटी बेस्ड ना हो, ड्रीम लाइक, जो ख्वाबों की तरह की हो, स्ट्रेंज, अजीब सी हो, वियर्ड, जो वियर्ड का मतलब भी ऐसी चीज़ होती है जो बड़ी अजीब सी हो, पिक्यूलियर का मतलब भी यही होता है, जो चीज़ बड़ी अजीब सी हो, वियर्ड हो, स्ट्रेंज हो, तो ये सारे जो है उसके सिनोनिम्स हो. जैसे इलॉजिकल, इलॉजिकल वो चीज़ होती है जिसका कोई लॉजिक ना हो, बड़ी गैर हकीकी किस्म की चीज़ हो, इलॉजिकल हो, तो ये सारे जो है वो सीरियल के सिनोनिम्स होंगे. तो इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, रियल, जो हकीकत पे मबनी हो, सेंसिबल, जो सेंसिबल हो, वाइज हो, समझदार हो, लॉजिकल हो, जिसका कोई लॉजिक हो, और रैशनल हो, रैशनल भी जो है ना वो लॉजिक पे मबनी चीज़ होती है, तो ये इसके एंटोनिम्स होंगे. Okay friends, our lesson has come to the end. I hope it was useful for you. If you want to know any other word, do let me know in comment section below. I will make a lesson for you. Do like, share and comment this video. Subscribe to my channel. Follow me on social platforms and I'll see you in next lesson. Allah Hafiz.